जिस दिन यात्रा शुरू हुई देश के मंत्री के द्वारा, चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा झूठ बोला गया कि राहुल जी जो है विवेकानंद जी की मूर्ति पे नहीं। आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की, अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते। स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। तो दूसरा हमला उन्होंने किया कि यात्रा जब शुरू हो गई है तो उसको बदनाम करने का। और यहीं पे यह बात रुकी नहीं, फिर बात आ गई जूते पर, फिर बात आ गई फीते पर, फिर बात आ गई टी शर्ट पर, फिर बात आ गई दाढ़ी पर, फिर बात आ गई महिलाओं पर। और यहां पर भी वो रुके नहीं, माने नहीं, हर दिन कुछ ना कुछ निकालना शुरू किए। और जब हकीकत में कुछ नहीं मिला तो जो उनका तीसरा हमला था, जो उनका डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट जो करता है कि किसी का सर किसी के जो है सर के ऊपर लगा दो, किसी का आवाज कहीं पे चिपका दो, यात्रा को लेकर के नकली वीडियो बनाना शुरू किए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, यात्रा जब आगे चली जाती है तो पीछे सड़क खाली ही होगी, यात्रा आगे बढ़ गई है तो उस खाली सड़क का वीडियो बना करके दिखाते हैं, कोई है ही नहीं। अरे भाई, जब कोई है ही नहीं, कोई लोग यात्रा में आ ही नहीं रहा है, तो क्यों आपको अभी जो है प्रोटोकॉल की याद पड़ी है, कोरोना प्रोटोकॉल की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप तो यही दिखा रहे हैं वीडियो बना बना करके कि कोई यात्रा में आ ही नहीं रहा है। जब कोई यात्रा में आ ही नहीं रहा है तो क्या पेड़ को मास्क पहना दें? गजब बेइज्जती है कि सड़क जो है लपेट करके कंधे पर रख दें राहुल जी के, कि नहीं नहीं आप आगे बढ़ गए, सड़क को पीछे कैसे छोड़ दिए, इसको भी लपेट करके कंधे पर ले जाइए। वीडियो, नकली वीडियो, कभी जो है तबलीगी जमात तो कभी कुछ कभी कुछ, नकली वीडियो बना रहे हैं, जबकि यात्रा में जो लोग शामिल हैं वो देखते हैं। सबसे आगे इस देश का राष्ट्रीय ध्वज होता है। राहुल जी गुरुद्वारा जाते हैं तब भाजपा ठीक रहती है, राहुल जी जब चर्च जाते हैं तब भी बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, राहुल जी जब मजार पे जाएं, मस्जिद पे जाएं, तब भी भाजपा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर में जाते ही ऐसा लगता है जैसे भाजपा वालों को कोई जमाल गोटा खिला दिया हो, अचानक से दस्त होना शुरू हो जाता है। क्या प्रॉब्लम है आपको? इस देश का नागरिक, इस देश का व्यक्ति, इस देश के किसी भी धार्मिक संस्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र है। आपका कोई जो है पेटेंट है क्या कि सिर्फ आप ही जाएंगे? और नियम कायदे कानून, ओम का चादर सीधा है, ओम का चादर उल्टा है, और ये वो लोग बोल रहे हैं जो गुफा में चश्मा लगा करके ध्यान करते हैं। ये जो चल रहा है इससे मैं बस एक अर्थ निकालता हूं कि इन्होंने बहुत कोशिश की कि इस यात्रा को इग्नोर किया जाए, इनसे इग्नोर नहीं हो पा रहा है। बहुत प्रयास किया, बहुत समझाया अपने कार्यकर्ताओं को कि यात्रा गुजर जाए बिल्कुल खिड़की दरवाजा बंद कर लेना। इंसान की अपनी भी इच्छा होती है, इंसान की अपनी भी बुद्धि होती है। लोग खिड़की दरवाजा बंद कर लिए लेकिन छत पे चले गए भाजपा ऑफिस के, और वहां से जो है यात्रा को हेलो हाय करना शुरू कर दिया। क्या करेंगे? क्योंकि यह यात्रा जिन सवालों को लेकर के चल रही है ना, वो कांग्रेस के सवाल नहीं है, वो देश के सवाल। ये यात्रा इसलिए है कि इस देश में दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। ये यात्रा इसलिए है कि इस देश के नौजवानों के सपने टूट रहे हैं, अब किसान के साथ साथ नौजवान भी आत्महत्या करने पर विवश हैं। आप व्यापारियों, छोटे व्यापारियों की हालत जाकर के देखिए कि किस तरीके से उनके उद्योग धंधे, उनका कारोबार जो है वो समाप्त किया जा रहा है। आप महिलाएं जब इसमें शामिल होती हैं तो उनका एक ही सवाल है कि हम सुरक्षा चाहते हैं। जिस तरीके से आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं वो उसे सुरक्षा चाहते हैं। अपने अपने मुद्दों को लेकर के जवान, किसान, नौजवान, महिलाएं, मजदूर, व्यापारी, प्रोफेशनल्स, मीडिया के लोग, पुराने प्रोफेसर्स, फिल्म से जुड़े हुए लोग, तमाम तरह के लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और जो दल की सीमा है उस दल की सीमा से परे जा करके यह यात्रा देश की यात्रा बन चुकी है। इसीलिए इनका जो क्लेम था ना
कि सबसे बड़े देश के लिए देश हित में सोचने वाले ये हैं, तो ये एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं और इससे इनको घबराहट है। इनको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। इस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाई है और आज़ादी के ऊपर जो आँच आई है उसको लेकर के डट करके कांग्रेस सड़कों पे उतर गई है, खड़ी हो गई है। तो अब इनको चिंता सताने लगी है, इसीलिए अब नया बहाना आया है। कोई समझाए इन प्रचंड मूर्खों को, कोरोना बहाना नहीं बीमारी है। ये ऐसा नहीं है कि स्कूल जाने का मन नहीं है तो बच्चा नहीं करता है, मम्मी दांत में दर्द हो रहा है, ये बहाना नहीं है, ये बीमारी है। और इस बीमारी को लेकर के राहुल जी इस देश के पहले नेता हैं जो सरकार को सबसे पहले चिट्ठी लिखे थे। और ये वो लोग सवाल पूछ रहे हैं, मुझे तो कभी लगता है कि कुछ स्पेशल रिलेशन है बीजेपी का कोरोना से। उसकी रैली में नहीं जाता है, दूसरी की रैली में चला जाता है। और डे नाइट का सेंस कितना है कोरोना को, दिन में हो जाता है रात में नहीं होता है। आप लोगों ने देखा ना, पार्लियामेंट में कोरोना था, मास्क लगाए हुए थे, शादी में जाते जाते कोरोना चला गया, छुट्टी पे चला जाता है, आराम करता है। ये मजाक बना दिए हैं।